जबरदस्त अंदाज च और कितने खूबसूरत हैं। एक कम अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद कर रहे हैं कि सो सारे वालों सो मैं इरफान जफर तुसा तकी रहे हो कश्मीर टीवी। एक और दिन ना आगाज जंगल थू बकरवाला ने नाल जनाब ते पिछलियां वीडियो ने ऊपर भी तुसा माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिता वै ते अगू भी अल्लाह पाक ने हुक्म नाल इंशाल्लाह तुसा सारे दोस्त नाल होयो ते बहुत ही अल्लाह पाक ने हुक्म नाल मैं तुसी और भी रंग रंग नियां चीज़ां दसा इन्हां ना सफ़र भी दसा नाल जिस जिस जगह तू गुजरसा उन्हां जगह ने भी रंग सारे तुसा की दसा। वीडियो ने आगाज करने मसे मसे थोड़ी थोड़ी सवेल हुई है एदा असा कैंप लाए हुए सन तंबू अपने ते इन्हां की पटने ते पहले तुसा की दसने के मॉर्निंग टाइम ए लाइक घर तो सानिया टैंकियां बनती हैं ना मूँह शू धोने वास्ते। हूँ मॉर्निंग टाइम अगर मैं मूँह धोना चाहना वा तो मिगी कुत्थे जाना पेसी ठीक है ते अच्छो ते स्टार्ट करने इन्ने दिन ना आज ना दिन स्टार्टिंग इत्थों होसी ते एंडिंग कुत्थों होसी इंशाल्लाह वह भी मैं तुसा की अग्गे जुली के दसना। पहले कपड़े बदलाई के ना क्योंकि दो त्रै दिहाड़े हो गए इे लाए हुए ते चलो जी शुरू करने दिहाड़ा। पहले कंबल शंबल अपने मैं ठप्पी के ना कपड़े इन दिन बदलाई ते समान सारा अपना पहले क्लोज करी के ना ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ठंडक होनी है इसलिए भी ठंडक है काफ़ी लेकिन शामी ने टाइम बहुत ज़्यादा होनी है तो जो बारिश हुई है तो फिर तो मैं ना क्या ही बात है ठंडक है नहीं क्योंकि आज डेरा पट्टी के तो इस तू ऊपर कैसा ना खड़ सन फिर इस तू ऊपर जिथे ना उथे दस दिहाड़े बारह दिहाड़े ये रिसन ये माड़ी तलाई आएगी इसकी भी ठप्पा यकीन करो बड़ा ही सुकून माहौल है परिंदियां दी आवाज़ स्पेशली जिहड़ी सवेले सवेले होनी है ना वो एक बहुत ज़्यादा ही सुकून देनी है बंदे की। आई गया माड़ा सराना आई गया सरांदो मारो है हो गए माड़ो बैगो पैको ठीक हो गया जनाब हूँ जुलने थले बुन तुसे दसने कि सवेले सवेले मूँह शू धोना होवे वुजू करना होवे जो भी ते थले किस तरह जंगल ने विच किस तरह पानी लोड़ी क्या तो किता जाना हूँ मैं थले ढलन लावा जनाब वाला हूँ मैं थले ढलन लगे आवा ते तुसा की दसा थले जुली के कि पानी केड़ी जगह वै और कितना की पानी है लेकिन मैं आना कि दिहाड़ी नहीं खूबसूरती ही ना एक अलग ही मज़ा लेकिन इसलिए सवेले नहीं खूबसूरती ना कोई मुकाबला नहीं ये है कि रस्ते थोड़े मुश्किल हैं लेकिन इन रस्तियां पर टुरने ना भी ना एक अपना ही एक अलग ही मैं ना यकीन करो मजा आवे
चिड़िया ने कितनी सोहनी आवाज है। उपर बैठिया सारिया इस दरख्त ने। जेड़ी जगह तकन लगे वे हो ना तुसा, इस जगह पर उपरू पानी अच्छना, फिर निकिया निकिया डाबिया ने ना रुकी जाना वे, तो फिर इस चू लोग भरी के भी खड़ने पीने भी हैं, तो जेड़े खाना बदोश हैं यानी बकरवाल या इन्हें थुलावा जेड़े सफ़र करने ने इन्हें रस्तियाँ चू, वो इन्हें डाबिया चू पानी पी के तो भरने ना, तो मिनरल वाटर है, लेकिन अल्लाह ताला ना कमाल है कि इसकी अल्लाह ताला मैं समझना मिनरल वाटर नाल ज़्यादा पावर है इस पानिया ने भी, जेड़ा कि कुदरत आले ने तरफू पहाड़ा ने बिचू लिकड़ना वे तो इतने थले अछना वे, तो इसे की पी गया तो ओवरऑल लोग जिंदगी गुजारे हैं। एक पैप है और तो भी पानी थोड़ा थोड़ा डकिया लब्भा, मुँह नहीं धोन होना उसने नाल, तो लिहाजा ये पैप कुछ ने घर जाना वे, कनैक्शन है इस ना, तो मैं सोचा कि इस कनैक्शन की थोड़ी देर आई क्ढी गया मुँह शू धोई थोड़े फ्रैश हो जा, तो फिर इंशाल्लाह ना अगला सफ़र शुरू करने हैं। मैं तो क्या इस थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आई रहा वे, हूँ ज्यादा आया वापस जोड़ी छोड़े आवे, जितने जाई रहा सी कार पानी उन्होंने जय ये ना समझन के पिछू पानी क्यों रुकी गया। इन्होंने लाइफ नहीं स्ट्रगल सो तकन लगे हुए सो, तो मैं सोचना कि ऐसा कितने ना शुक्रिया कि अल्लाह ने जात ना से शुक्र अदा करना चाहिए ना मैं कि कितनी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल है जिंदगी ने विच, तो मैं ये चीज़ा तकी क्या तो अल्लाह ने जात ना बड़े शुक्र अदा करना। एक तो अल्लाह ताला जिंदगी तकने ना मिकी मौका दिता, बहुत सारे बंदे ड्रीम करने कि वो इस तरह जिंदगी की तकन या इस तरह फिरन, लेकिन अल्लाह ताला मिकी मौका दिता, मैं इस पर अल्लाह ताला ने जात ना शुक्र गुजार हाँ। तो एक और चीज़ भी तको उत्साह कि कितनी स्ट्रगल है इन्होंने जिंदगी ने विच, मिसाल है कई जो पानी भी कोई ना कि लभना बिल्कुल, तो चलो चल तो चलो चल, तो असा की असा अगर तका तो अल्लाह ताला बेशुमार नियामत थू नवाजिया, लेकिन असा यह है कि ना शुक्रे हाँ, शुक्र भी ना इतना अल्लाह ताला ना अदा करने। सफर शुरू हो गया, जेड़े में पिछले व्लॉग से कार दसे सन उन्हें असा क्रॉस करिए तो अज अगे जा सा, ऐ वो कारण जेड़े मिकी सब तू ज्यादा पसंद है। हूँ इन्हें घर ने मैं दूई साइड मौजूद हाँ, तको इतों कितने सोहने लगी रहे, इतना तकरीबन 7-8 फुट बर्फ होनी है इस जगह ने उपर, क्योंकि इतना उपर गड्डी कोई नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं अछनी, बहुत उच्ची जगह ना पहाड़, हर बंदे अपने इतना घोड़े रखे हुए हैं, जिस तरह इन्होंने घर आया ने घोड़े रखे हुए ते इन पर समान शमान आने उपर, इनताई मुश्किल रस्ते जेडे कि इन्होंने पड़ा ने बिचों हो गया जाने ने, इधर सो तको कितनी डूंगाई है खाली नज़र मारो, तो इन्हों घोड़े गए इन्होंने सारा समान चाहिए, तो हूँ मैं भी इन्होंने पिछे पिछे ही जाई रहा हाँ। ये पिछा पिछा तको निके बच्चे जाई रहे, अज्जड़ पहले इन्होंने ला गया वै, ये सारे बरोटियां बरोटे इन्होंने, तो निकी भी अगे अगे जाई गया तो इन्हें टोरन लगी भी है। यह मकान तको पुराने स्टाइल ने विच बढ़ते हुए हैं, लकड़ी ने टोटल लकड़ी ने उपर मिट्टी ना छत पे है, कड़ियाँ पईयां ने लकड़ी ने दरवाजे लगे हुए, मुकम्मल ही ना टोटल, मैं ना क्या ही खूबसूरती है इस मकान की, इस तो बहुत पुरानी याद ताज़ा कराई छोड़ी है। अल्लाह निजात री कुदरत तको हाँ, असाने बच्चे के साथ सामभी सामभी के अस रखने हाँ, तो यह भी तो तको हाँ बच्चे अल्लाह सामभिया कौन ही, पर रस्ता तको थले स्लाइडिंग ये वो, तो किस तरह माशाल्लाह ये जाई रहे ना।
बकरियां बरोटे इनके। थारो के हाल हो? ठीक हो सारो? डर ना लगतो रस्तों पे? हाँ ऐसे कोई डर खौफ नहीं लगना, है जिंदगी असल जिंदगी। और ये जिंदगी दसनी है कि अल्लाह ताला किस तरह हिफाजत करना है इन्हानी जंगलों च भी। एक निकी बच्ची अगे यानी कि लीड करी रही है सारे इस जितने बरोटे बरोटियां अगे टुरन लगी है, बाकी एक बच्ची पिछे है बिच। इन्होंने दो त्रै मुड़े निके तको बड़िया बकरियां ने बड़े निकिया निके। ये दरख्त इत्थे ही भज्जी गए ना, तकने सोलह झखड़ छड़ाना तो भज्जी जाने। माड़ा दिल है कि इस दरख्त ने ओह उपर बेही के ना तो ड्रोन व्यू इंदा जे तकरीबन थलू इसने हाइट जेड़े त्रुट्टे या मुंड है ना इसने तकरीबन हाइट उसी को 30-40 फुट उच्चा। पहले पूरा पहाड़ चढ़े हाँ, फिर हूँ पूरा पहाड़ थल्ले पे लैन लगे हुए हैं अगे। ये हूँ असा सुदन गली गंगा चोटी ने कोल काल पे जान लगे हुए हैं। ये नाल एक और डेरा वै जिसने ये घोड़े न तूने ना इतना अच्छी समान लाया तो ये दिन चगाने वास्ते छोड़िया ने। आज सारा टेंट जड़ा ये ऐदा वे हूँ अगले दस दिहाड़े ना ये इत्थे ही रेसी। ऐदा जनाब सारे घोड़े ते खच्चरां तको। हाँ कितने जबरदस्त अंदाज च और कितने खूबसूरत हैं। ये कम से कम को 40-50 जी जनाब डेरा तो लगी गया तो मैं तो बगड़ू साहब टूरी पे हाँ तो घरों मिगी फोन आया से ईद तू साढ़े कोल करनी है इस वजह तू हूँ मैं जा ही रहे ने छोड़ने वास्ते। तो बगड़ू साहब सो इतने कितने दिहाड़े और डेरा रख सो? इतने अस 10 दिन इतने हाँ। अच्छा 10 दिन तो बाद फिर अस अगला सफर शुरू हो जाए सी पंचकोट का। अच्छा पंचकोट का? हाँ पंचकोट तो असी फिर बुन ले सन अगे। ठीक है नीलम रोड तो पै जा सन। तो मैं कितने दिहाड़िया बाद तकरीबन आने आई जा छों को 10-11 दिन तो बाद कोला ठीक है। ठीक है हूँ 10-11 दिन बाद मुड़सा और फिर इंशाल्लाह अगे इन्होंने सफर जारी रहसी है सिर्फ ईद करन मैं जा ही रहा हूँ। तकरीबन हूँ असा कि 4-5 किलोमीटर पैदल सफर मारी गए तो सुदन गली जाइए रलसा उत्थू को गड्डी पोड़सा जंगला कंटिन्यू 7-8 किलोमीटर टुरना पेसी। ये इतना एक और अज्जड़ है एक और तंबू लगे इतना ये बगड़ू साहब ने कोई रिश्तेदार लगने जिन्होंने ये अज्जड़ है सारा बैठे आ क्योंकि असा ये ओ पार जानिया ने पहाड़ियाँ क्रॉस करके गड्डी तां लपसी। सफर सारा जारी है लेकिन यह काफ़ी लंबा हो गया सफर 4 किलोमीटर मैं अपना सुना सी लेकिन फिलहाल अगे कोई ना निशान नहीं सुदन गली नहीं सड़क ना या कुछ आहा ना होर चीज़ दिसनी है। फिलहाल दरख्त जंगल टोटली तकने होना तो यह खुला मैदान रड़ा ये जिस सब अस ढली गया तो ले जाने। 4 किलोमीटर मैपै शो किया गूगल मैपै लेकिन सफ़र मुकने तर जाने को नहीं पाया पता नहीं उस किस तरह गूगल मैप वाले अंदाज़ा लाया टुरी 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 लत्तां चलाऊं चलाऊं करन लगी पियां।